हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये इतना इंपॉर्टेंस है कि समझ लीजिए, अगर इसको आप नहीं किए हो तो आप समझ लीजिए आपका कोई चैप्टर जो है ठीक से, मतलब समझ लीजिए पेपर में आपको डिफिकल्टी ही डिफिकल्टी आने वाली है। ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है और बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत ही आसान है, बस सिवाय एक चीज़ की कि आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तब। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपके लिए रिक्वायरमेंट है, अगर आप जो है इस वीडियो पर डायरेक्ट आ गए हो तो इससे पहले आपको बता दें कि जो है आईसी के इंडिया क्या नाम है कि इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल के आपके जो है 3 चैप्टर्स यहाँ पे करा दिए गए हैं। अगर आप उनको नहीं देखे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि आप जाइए और उनको देखिए, थोड़ी सी लापरवाही करेंगे तो वो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा बर्डन में दिखेंगी। तो आप जाइए और उनको देखिए, उसके बाद जो है इस पर आइए। आपका जो तीसरा चैप्टर है स्टूडेंट्स, क्या है तीसरा चैप्टर है, ध्यान से देखिएगा, क्या है आपका जो तीसरा चैप्टर है वो क्या है आपका, वह है आपका इन्वर्टर, इन्वर्टर, चोपर और साइक्लो कन्वर्टर, साइक्लो कन्वर्टर। क्या है आपका इन्वर्टर, चोपर और साइक्लो कन्वर्टर। तो आज की वीडियो में जो है हम इन्वर्टर देखेंगे। इन्वर्टर में देखिए, इन्वर्टर भी काफ़ी जो है आपको लगता है बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो आपके लिए जो है छोटा सा इसलिए है क्योंकि आप अभी इसे पहली बार देख रहे हैं। तो इसको जो है स्टूडेंट्स हमें कराने में इसको जो है 3 लेक्चर्स आपके हो जाएंगे, एक ही में हम सोचे थे कराने के लिए, बट हम सोचे कि आप एक ही में करा देंगे तो क्या होगा, आपको ये चीज़ें जो है बड़े फॉर्म में दिखेंगी और आप स्किप बहुत ज़्यादा करोगे, इसलिए जो है इसको हम थोड़ा थोड़ा करके आपको बताते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पिछले की क्लास में अगर आपको ये चीज़ें याद होंगी तो जो है आपको ये चीज़ें अगर याद होंगी तो आपको क्या दिख रहा होगा, आपको ये दिखेगा कि हमने देखा था रेक्टिफायर, जिसका काम था रेक्टिफिकेशन करने का। रेक्टिफायर में क्या होता था स्टूडेंट्स कि आपकी जो एसी सप्लाई थी उसको हम डीसी में कन्वर्ट करते थे और उसको जो है बैटरी की हेल्प से स्टोर करते थे। मैंने क्या बोला, आप ध्यान से देखिए, मैंने बोला कि यहाँ पे अभी पिछले क्लास में हमने पढ़ा था रेक्टिफायर, रेक्टिफायर, रेक्टिफायर क्या था, रेक्टिफायर आपका था कि जो क्या था आपका, जो क्या करता था एसी को डीसी में कन्वर्ट करता था, मतलब एसी सप्लाई को क्या करता था, डीसी में कन्वर्ट करता, एसी सप्लाई में कन्वर्ट करता था, क्या करता था, कन्वर्ट करता था, फिर उसको जो है बैटरी के हेल्प से, बैटरी में जो है क्या करता था, स्टोर करता था, बैटरी में स्टोर करते हैं। देखिए पहले क्या करते थे कि रेक्टिफायर लगाकर हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लेते थे, और फिर जो इस डीसी को जो है स्टूडेंट्स इसमें क्या करते थे, बैटरी के, बैटरी में हम इसे क्या करते थे, स्टोर कर लेते थे, क्या करते थे, बैटरी में स्टोर कर लेते थे, जैसा कि आप भी करते हो और हम भी करते हैं। आप जहाँ भी जाएंगे, जहाँ भी एप्लीकेशन दिखेंगे, अगर बैटरी में कोई चीज़ें स्टोर हुई हैं तो वो क्या है आपका, डीसी है, एसी आपका स्टोर नहीं होता। चलिए अब हम बताते हैं आपको कि यहाँ पर जो हमारा बैटरी है इसमें स्टोर है स्टूडेंट्स। आप जानते हो कि आपके घर में कई सारी एप्लीकेशन लगी है या कई सारे ऐसे जो है डिवाइस लगी हैं जो कि क्या होगी आपके एसी पे वर्क करने वाले हैं। तो आपको ये मस्ट इम्पॉर्टेंस है कि आप जो है इसको क्या करें, इन्वर्टर, आप इसको क्या करें कि इस जो आपका डीसी फॉर्म है, जो ये स्टोर हुआ है डीसी के फॉर्म में, इस बैटरी को हम जो है कुछ ऐसा डिवाइस लगाएं जो क्या करे कि इसको डीसी को एसी में मतलब कन्वर्ट करे, मतलब इसका जो है अपोजिट प्रोसेस, इसका रेक्टिफिकेशन का क्या करें कि वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करे। तो ये जो डिवाइस होती है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि ये जो डिवाइस है, ऐसे लिखते हैं, वह डिवाइस क्या है, वह डिवाइस जो कि डीसी सप्लाई को एसी में कन्वर्ट करता है, जिसको स्टूडेंट्स अगर हम इसके जो है आपको इसके डायग्राम को दिखाएं तो आप समझिए, ये जो बॉक्स हम बना रहे हैं इसको हम क्या कर रहे हैं, ये आपका क्या है, इन्वर्टर, क्या है, इन्वर्टर,
इसको हम क्या लिख रहे हैं, इन्वर्टर। ये क्या है आपका, इन्वर्टर है। इसको जो है हम क्या दे रहे हैं, देखिए इनपुट में क्या है आपका, डीसी, डीसी सप्लाई, और यहाँ से जो आपको निकलने वाला है क्या है आपका, एसी सप्लाई यहाँ पे निकलने वाले है, क्या है आपका, एसी सप्लाई आप यहाँ से आपको दिखेगी। कहने का मतलब यह है, आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे हैं। देखिए ये क्या है कि आपका जो है डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ द इन्वर्टर। इन्वर्टर के हेल्प से स्टूडेंट जो है हमने कुछ इस प्रोसेस से आपको सारी चीज़ें बताई, तो ये चीज़ें नोट कर लीजिए। अब देखिए क्या है कि इसको इस मतलब यह प्रोसेस जो है इन्वर्जन कहलाती है। आई होप आप सारी चीज़ें समझ रहे होंगे। और स्टूडेंट्स ये क्या है, रेक्टिफिकेशन का अपोजिट प्रोसेस है, जैसा कि ब्लॉक डायग्राम में हमने आपको यहाँ पे बना के दिखाया। अब एक चीज़ और समझिए, हर एक चीज़ के पीछे एक कहानी होती है, इसके भी पीछे एक कहानी है। कहानी क्या है स्टूडेंट, जब ये इन्वर्टर बनाया गया था पहले बार, तो वहाँ पर क्या होता, वहाँ पर क्या हुआ कि हमने इसको जो है वैक्यूम ट्यूब, मतलब वैक्यूम ट्यूब या फिर एयर वैक्यूम ट्यूब, क्या है, वैक्यूम ट्यूब या फिर एयर वैक्यूम ट्यूब को जो है मतलब मदद से उसको हम बना देते हैं इन्वर्टर को। उसमें क्या होता था, इसका साइज जो है लार्ज होता था, साइज लार्ज है, और क्या है इसमें, कॉस्टली होता था, और इसका जो है लेस रिलायबल होता था। तो इसको जो है हमें, और इसका स्विचिंग जो है काफ़ी मतलब उस हिसाब से नहीं होता था जितना हमें चाहिए। तो ये डिवाइस जो है क्या होता था, उसके कारण ये डिवाइस जो है साइज में लार्ज होता था, कॉस्टली होता था, और रिलायबल होते थे। स्टूडेंट समझ ले, इन कमियों को दूर करने के लिए, इन कमियों मतलब ये सारी कमियां जो है थी पहले, कब, जब हम यूज़ करते थे इन्वर्टर को बनाने, मतलब किसका हेल्प करते थे, वैक्यूम ट्यूब का की मदद से, और जो है एयर वैक्यूम ट्यूब आप कह सकते हो। तो इनकी हेल्प से क्या होता था, इनकी हेल्प से क्या होता था कि वहाँ पे क्या होगा कि आपका जो कॉस्ट है, और कॉस्ट के बाद क्या था, जो आपका कॉस्ट है स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या है कि आप वो उसकी साइज भी लार्ज हो जाने वाली है और लेस रिलायबल भी वो होने वाला है। तो इसलिए जो है हमें इन कमियों को दूर करने के लिए हमने जो है सेमीकंडक्टर को लाया। सेमीकंडक्टर में क्या है, सबसे पहले उसमें जो है ट्रांजिस्टर की हेल्प से हमने उसको जो है एक बार बनाया, उसके बाद जो है हमने SCR को इंट्रोड्यूस किया। SCR में क्या है कि उसकी जो स्विचिंग प्रोसेस है वो काफ़ी जो है बेहतरीन है, उस स्विचिंग प्रोसेस की वजह से, और उसकी जो क्या नाम है कि उसका काम है, उसकी जो एफिशिएंसी है वो शानदार है, इसलिए हमने जो स्टूडेंट जो है SCR की हेल्प से हमने इन्वर्टर को बनाना, चाहे थायरिस्टर की हेल्प से कह सकते हैं, इन्वर्टर को बनाना हमने SCR की हेल्प से शुरू कर दिया। तो इसकी क्या एडवांटेज क्या था, जो अगर हम यूज़ कर रहे थे पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस, पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस का कहने का मतलब है जो हाई करंट हाई पावर पे वर्क कर रहा हो, तो इसलिए उसमें आपका थायरिस्टर आ जाता है जो SCR है। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रख सकते हैं। उसमें क्या हुआ कि बेटर हमें फास्ट रिस्पॉन्स हुआ, बेटर एफिशिएंसी, बेटर रिलायबिलिटी, और स्मॉल साइज हमें देखने को मिला। तो चलिए हवा में बातें बहुत हो गई, अब थोड़ा सा हम यही चीज़ें आपको यहाँ पे लिख देते हैं, इसको हम रेस्ट करते हैं। चलिए आई होप आप लोग जो है बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स आपकी जानकारी भी बता दें, अगर आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप क्या करें, आप उसको सब्सक्राइब करिए और जो है उसको शेयर करिए। यहाँ पर बहुत ही मस्ट, बहुत ही बेसिक, बहुत ही आपको मतलब क्या है इंपॉर्टेंस है, इसलिए कि इन्वर्टर हर जगह देखने को मिलता है, थोड़ी सी उसकी वर्किंग बारे में जान लेंगे तो आपको जो है वो बुरी बातें नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि सबसे पहले मतलब पहले के ज़माने में क्या हुआ था कि पहले क्या था कि वैक्यूम ट्यूब या फिर एयर वैक्यूम ट्यूब के हेल्प से हम क्या बनाते थे, इन्वर्टर वो बनाते थे, उससे आपका जो डिवाइस का साइज लार्ज हो जाता, साइज लार्ज हो जाता था। और क्या होता था कि एक तो वहाँ पे साइज लार्ज हो जाते थे, दूसरी बात क्या है कि वो जो है आपका कॉस्टली हो जाता था,
कॉस्टली हो जाता था। कॉस्टली हो जाता था और जो है लेस, मतलब का बहुत ही कम विश्वसनीय आपका था, लेस रिलायबल होता था, मतलब उस पर विश्वास जो है बहुत कम किया जा सकता है। और इन कमियों को दूर करने के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि इन कमियों को दूर करने के लिए हम जो है क्या करते थे कि पावर सेमीकंडक्टर को इंट्रोड्यूस किया को इंट्रोड्यूस किया गया। अब इसको इंट्रोड्यूस करने से हमें क्या होगा, इसको इंट्रोड्यूस करने से अब हमें एडवांटेज देखना है कि अगर हम जो पावर सेमीकंडक्टर को हमने यूज़ किया उसका एडवांटेज देखते हैं। इसको इंट्रोड्यूस करने से क्या हुआ कि वहाँ पर इसकी जो साइज है वो लेस साइज, मतलब साइज जो है लेस नहीं स्मॉल लेते हैं, स्मॉल साइज इसका होने लगा, स्मॉल साइज के बाद यह क्या हुआ कि रिलायबल भी होने लगा। रिलायबल के बाद जो है इसका कॉस्ट जो है वो लेस होने लगा, लेस कॉस्ट। और उसके बाद जो है स्टूडेंट्स लेस कॉस्ट की तो ये कॉस्ट वाला हटाते हैं, लेस कॉस्ट नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये भी जो है आपको दिखेगा बड़े पैमाने पर अगर आप यूज कर रहे हो तो लगेगा। ये चीज़ स्मॉल साइज समझिए और रिलायबल ये आपका होने वाला है, मतलब बेटर रिलायबल, और क्या है कि बेटर इफिशियंसी इसकी होने वाली है और फास्ट रिस्पॉन्स ये करेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि बेटर इफिशियंसी और क्या लिख सकते हैं कि ये बेटर इफिशियंसी होगा। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि इसके पास स्मॉल साइज, रिलायबल, बेटर इफिशियंसी और बहुत ही तेज ये आपका क्या करेगा, रिस्पॉन्स ये जल्दी करेगा क्योंकि SCR है, फास्ट रिस्पॉन्स। आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारी चीज़ जो है दिख रही होगी। हमने यहाँ क्या लिखा है, हमने लिखा है इसमें तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं, आपको ब्लर तो नहीं कर रहा है, देखिए स्टूडेंट्स बिल्कुल आपको ब्लर कर रहा था ये सारी चीज़। यहाँ आप देखिए कि ये चीज़ें जो है हमने, आई होप आपको ये चीज़ें बढ़िया से दिख रही हैं। ये क्या है कि पहले वैक्यूम को स्टूडेंट्स, ये चीज़ें अगर थोड़ी सी ब्लर हो गई होंगी तो आप इसको जो है थोड़ा एडजस्ट करिएगा क्योंकि ये क्या है कि आपको थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है, इसको हम सेट करेंगे। देखिए ये क्या है कि पहले जो है वैक्यूम ट्यूब के हेल्प से इन्वर्टर को बनाते थे, उससे आपका जो है डिवाइस का साइज लार्ज और कॉस्टली हो जाता था और लेस रिलायबल होता था। इन कमियों को दूर करने के लिए हमने जो है यहाँ पे पावर सेमीकंडक्टर को इंट्रोड्यूस किया। पावर सेमीकंडक्टर को इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पे स्मॉल साइज, बेटर एफिशिएंसी और रिलायबल और फास्ट रिस्पॉन्स वहाँ पे आपको देखने को मिला। तो इतनी चीज़ें जो है आप नोट के फॉर्म में इसको नोट कर लीजिए। आई होप आप ये चीज़ें जो है नोट कर चुके होंगे। अब हम देखते हैं इसके आगे के टॉपिक क्वेश्चंस, आप बिल्कुल इस सारी चीज़ों को नोट कीजिए। अब हम देखेंगे कि इन्वर्टर के ये ऑपरेशन को, तो अगर थोड़ा सा ब्लर होता है तो आप इन सभी चीज़ों को देखिएगा, एडजस्ट करिएगा। देखिए क्या है कि यहाँ पे अब हम बात करेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द इन्वर्टर के बारे में। चलिए देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल हम किस हिसाब से इसको देखते हैं। तो यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल को समझने के लिए यहाँ पे एक समझिए कि यहाँ पे जो है आपको स्विच करता है, स्विचिंग यहाँ पे उसके हेल्प से यहाँ पे सारी चीज़ें होंगी। तो चलिए यहाँ पे दिखाते हैं स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, इससे हम लगा देंगे। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ पे समझिए स्टूडेंट्स जो चीज़ें हम बना रहे हैं, हम क्या बनाने वाले हैं कि जो चीज़ हम बनाएंगे वो आप जो है अपने हमारे साथ जो है बनाते चलिए। और बताइए आप लोग कैसे हैं, आई होप आप लोग जो है बहुत ही अच्छी तरीके से सारे सब्जेक्ट्स कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि यहाँ पे जो है आपको सारे सब्जेक्ट जो है कराए जाते हैं, अगर आप उनको नहीं देखे तो आप क्या करें, आप जाइए और उसको
उन सभी को जो है देखिए, उसके बाद जो है इस पे आइए। आई होप आप लोग जो है समझ रहे होंगे हमारी बातों को, हम क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस तरफ जो है हम क्या करेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप ट्रांसफार्मर को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जो कि आपका क्या करेगा, आपका क्या देने वाला है यहाँ पे। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का अगर हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, हाँ, तो देखिए इसमें क्या है जी, इस यहाँ पे जो आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये स्विच, ध्यान से देखिएगा, ये आपको स्विच दिख रहा है, ये एस का, ये क्या करेगा, ये जो है इस प्रकार से आपका होने वाला है। अगर मान लीजिए ये डीसी का फॉर्म है, तो अगर इसको यहाँ पे स्विच को अगर हम देखें, ये क्या करेगा, ये स्विच आपका एक बार इधर जाएगा, मतलब इस बार मतलब इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो ये करने से क्या मतलब है, इसका मतलब यह है ये क्या करेगा, आपको देखिए थोड़ा सा इसकी जो है क्या हो रही है, आपको वेरिएशन देखने को मिल रही है, थोड़ा सा एसी फॉर्म देख, ये क्या है आपको वेरिएशन को लाने के लिए इसमें जो है किया, मतलब इससे क्या करा है आपका जो है ये स्विच काफ़ी अच्छा होने वाला। अब आई होप आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि इन्वर्जन का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, यूज किया जाने वाला है स्विच स्पीड पर निर्भर करता है। इन्वर्टर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, इसको यूज किया जाने वाले स्विच की स्पीड पर निर्भर करता है, जिसको हम स्विचिंग स्पीड कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें जो है ब्लर नहीं करेंगे। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि इसका इन्वर्टर का जो प्रिंसिपल है क्या है, इन्वर्टर का जो प्रिंसिपल है उसमें ये जो स्विच लगा है, उसमें स्विच के स्पीड पर निर्भर करता है, पर निर्भर या डिपेंड करता है, पर क्या करता है, निर्भर करता है, जिसको हम बोलते हैं स्विचिंग स्पीड, स्विचिंग स्पीड। अब देखिए स्विचिंग स्पीड ज़्यादा होगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं, जितनी स्विचिंग स्पीड उतनी फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हैं क्या हो रहा है आपका, हो रहा है फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं स्टूडेंट्स, एफ इक्वल टू 1/T होता है। ये चीज़ें आप अपने माइंड में रखिएगा। तो ये देखिए, ये आप अपने दिमाग में रखिए कि ये क्या है आपका वर्किंग प्रिंसिपल है ऑफ द इन्वर्टर का, ये क्या है आपका वर्किंग प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है किसका, इन्वर्टर का, इन्वर्टर का। तो जैसे जैसे हम करा रहे हैं आप वो चीज़ें नोट करके चलिए, अगर आप अपनी कॉपी में इस हिसाब से करेंगे तो सारे आपके नंबर यहाँ पे कटने वाले नहीं है। याद रखिए स्विचिंग स्पीड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी की, और हाई स्विचिंग के लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज यहाँ पे किया जाता है। जैसा कि आप लोग पहले जब CR हमने आपको बढ़ाया था तो वहाँ पे, चलिए सारी चीज़ें अच्छी दिख रही है आपको, वहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट, जो हमने आपको सबसे पहले यहाँ पे थायरिस्टर पढ़ाया तो वहाँ क्या बोला था कि स्विचिंग स्पीड यहाँ पे जो स्विचिंग की जो प्रॉपर्टी है वो जो है इसमें द बेस्ट यहाँ पे पाई जाती है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि हाई स्विचिंग के लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ें आप लिख सकते हो यहाँ पे कि हाई स्विचिंग के लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का उपयोग किया जाता है, हाई स्विचिंग के लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग किया जाता है, हाई स्विचिंग के लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। आई होप आपको ये चीज़ें देख रहे होंगी, थोड़ा सा हम देख लेते हैं, आपको ब्लर तो नहीं करा है। तो स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें आप जो है अपने माइंड में रख के चलिए। ये देखिए क्या है कि हमारा सिस्टम अभी उतना मजबूत है नहीं, तो इसलिए हम जो है थोड़ा सा हमें देखना होता है कि ये चीज़ें ब्लर तो नहीं कर रही हैं आपको। अब स्टूडेंट जो है हम देखते हैं बहुत ही शानदार चीज़, क्या है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ द आपका इन्वर्टर पार्ट, ब्लॉक डायग्राम देखेंगे इन्वर्टर का। तो चलिए उसको हम देखते हैं। तो इन्वर्टर का ब्लॉक डायग्राम देखने के लिए अब हम क्या करेंगे, चलिए आपको भी हम दिखाते हैं ब्लॉक डायग्राम या ब्लॉक डायग्राम ऑफ द इन्वर्टर इन्वर्जन प्रोसेस। चलिए इसके इन्वर्जन प्रोसेस को हम देखते हैं ब्लॉक डायग्राम बना करके। तो
फ्रेंड्स आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पे जो है आपके TDP काफ़ी पार्ट्स यहाँ पे पूरा कंप्लीट है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि स्किन इफेक्ट क्या है, कोरोना इफेक्ट क्या है, और जो है फ्रंटी इफेक्ट क्या है, अगर आप केल्विन लॉ क्या है, ये सारी चीज़ें हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराई हैं। अगर आप उनको नहीं देखे तो क्या करें, आप जाइए उनको देखिए, उसके बाद ही आप आए। तो अब देखते हैं हम ब्लॉक डायग्राम। डायग्राम ऑफ द इन्वर्जन प्रोसेस, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, ये क्या था आपका, ये क्या है आपका इन्वर्जन प्रोसेस जो है कहलाता है। तो इसका मतलब देखते हैं किस हिसाब से हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आप जानते हो कि यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे 3 बॉक्स आपको बनाएंगे, तो वो कौन कौन से हैं चलिए यहाँ पे पहले ही बना लेते हैं, और उसके बाद ये जो आपका बॉक्स है रेजोनेंस का हम बनाएंगे, और ये आपका तो आपको दिख रहा होगा। तो आप भी पहले इन 3 बॉक्स को बनाइए, उसके बाद जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर समझिए कि जो है हम आपको किस तरीके से बता रहे हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले समझिए कि यहाँ पे जो यहाँ पे देने वाले हैं ये क्या है, यहाँ पे DC सप्लाई या DC सोर्स आपका होने वाला है। यहाँ पे स्टूडेंट जो सर्किट होगी क्या, रेजोनेंस सर्किट, कहने का मतलब यह है रेजोनेंस सर्किट में आपका जो है मतलब क्या है कि कैपेसिटर और इंडक्टर आपका यूज होने वाला है, और रजिस्टर भी देखने को मिलेगा। ये रेजोनेंस सर्किट स्टूडेंट्स आपको जो दिख रहा है ये क्या होगा, इसके बाद आपको AC मतलब यहाँ पे क्या लिखेगा आपको, स्टेप अप ट्रांसफार्मर आप लगा सकते हो, लीजिएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज आप कर सकते हो। तो यहाँ पे जो 3 पार्ट्स आपको दिखाई दे रही हैं, और यहाँ पे स्टूडेंट जो आपको दिख रहा है ये कंडीशन जो है क्या होगा, जो कैपेसिटर इंडक्टर और ये सब का है रेजोनेंस सर्किट में, ये आपका अंडर डैम्प होना चाहिए। क्या है यहाँ पर लिख रहे हैं कि क्या क्या होना चाहिए, डैम्पिंग कंडीशन में अंडर डैम्प्ड या आपका क्या होना चाहिए कि इसका होना चाहिए। अंडर डैम्प्ड क्या होता है, जैसे अगर हम देखें कि हम डैम्पिंग, तो इसका क्या है 1 से आपका इस कंडीशन में था जब हमने आपको बताया था नेचुरल कम्यूटेशन में, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने आपको कराई थी। तो आई होप आप ये चीज़ें स्टूडेंट जो है समझ रहे होंगे। देखिए क्या है कि जो आपका DC सोर्स है इसमें क्या होता है कि DC सोर्स में आपका DC पावर को प्रोवाइड करना होता है, तो ये चीज़ें आप लिख लीजिएगा। DC सोर्स में क्या है कि आपके DC पावर को प्रोवाइड करना होता है, ध्यान दीजिए आप लिख देते हैं, इसमें जो है DC पावर को प्रोवाइड करना होता है रेजोनेंस सर्किट में क्या है आपका जो है, देख रहे हैं आप ये आपको RLC और जो है अंडर डैम्पिंग आपको देखने को मिल रहा है, और ये स्टेप अप क्या है, ये क्या करेगा वोल्टेज के वैल्यू को डाउन मतलब क्या नाम है, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में ये क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक जो है इतना ही रखते हैं, और जो है आने वाले नेक्स्ट टॉपिक में इसके आगे से हम आपको शुरू करेंगे। देखिए अगर आज ही ये चीज़ें पढ़ाते थे तो आपके लिए जो है थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता है, क्योंकि वो चीज़ें क्या है काफ़ी ब्रॉड हो जाती है। तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इन्वर्टर जो है हम किस हिसाब से शुरू कर रहे हैं, आप अपने माइंड में ये सारी चीज़ें करके चलिए। और स्टूडेंट जो है अगर आप जो है पॉलिटेक्निक 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, तो आप क्या करिए कि आप जो है अपने साथ के और जो है आपके जो जिसको आप जानते हो कि ये चीज़ें उनके लिए ज़रूरत है, तो आप उनको प्रोवाइड करिए, इसको क्या करिए डिस्ट्रीब्यूट करिए, कहने का मतलब है शेयर करिए और जो है लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।